हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर चैनल ज्योति होम गार्डन एंड ब्यूटी किचन टिप्स एंड ऑल माय सब्सक्राइबर फैमिली, थैंक यू। मुझे लगता है और कोई कस्टमर आ गए हैं, तो अभी ये कस्टमर साइड में बैठेंगे, तब तक मैं इनकी थ्रेडिंग करती हूँ। नॉर्मल चेयर पर थ्रेडिंग कैसे करें, ऐसा कमेंट्स मुझे कम से कम 20-22 बार आया है, शायद बहुत बार आया है। तो उनका रिक्वेस्टेड वीडियो है आज, तो वो आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ। नॉर्मल चेयर पर थ्रेडिंग, तो कोई कस्टमर ऐसी थ्रेडिंग करने के लिए तैयार ही नहीं था, सभी को पार्लर की चेयर ही चाहिए थी, तो ये कस्टमर रिक्वेस्ट करके तैयार हुए हैं। तो मैं अभी इनकी नॉर्मल चेयर पर थ्रेडिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किसी किसी के कमेंट्स आते हैं तो उनके हिसाब से हमें वीडियो बनाना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, उनका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। उनको मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत कमेंट करने के बाद आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बहुत देर हो चुकी है। पर कोई क्लाइंट तैयार ही नहीं था कि नॉर्मल चेयर पर मैं थ्रेडिंग का वीडियो शेयर करूँ। तो इसलिए आज नॉर्मल चेयर पर मैं थ्रेडिंग शेयर कर रही हूँ। तो उस साइड से कैमरा लगाना था पर दिखा नहीं, इधर की साइड आपको पूरी दिख जाएंगी। तो कम से कम आप धागा कैसे पकड़ते हैं वो समझता है आपको। मुझे लगता है कि कस्टमर के पास मैंने कैमरा दिया होता तो अच्छा होता, साइड में बैठे हैं वो, क्योंकि एक स्टैंड पर लगाया तो अच्छे से दिखता नहीं है। तो इसलिए मैं इधर से ही दिखा रही हूँ आपको, और बहुत ही फास्ट में ये थ्रेडिंग की है हमने, और इनकी थ्रेडिंग भी बहुत ही अच्छी है, थोड़ी ब्रॉड है और बहुत अच्छी दिखती है। तो इस तरह से हम अभी थ्रेडिंग कर रहे हैं। नॉर्मल चेयर पर थ्रेडिंग, तो ज़्यादा ब्रॉड थ्रेडिंग रही तो थोड़ा वक्त ही लगता है थ्रेडिंग करने में, क्योंकि बहुत सारे बाल रहते हैं और किसी किसी की स्किन बहुत नाजुक होती है, तो धीरे धीरे निकालने पड़ते हैं। तो ऐसे ही आपको नए नया कुछ पार्लर का सीखना हो या देखना हो तो कमेंट्स करके आप लोग मुझे पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने आज का वीडियो अपलोड किया है वो कमेंट्स की वजह से ही किया है, कि बहुत ही रिक्वेस्ट था कि मैं नॉर्मल चेयर पर थ्रेडिंग शेयर करूं, तो आज कर रही हूँ। वैसे भी आपको कोई हेयर स्टाइल सीखनी हो या पार्लर का कोई भी काम सीखना हो तो आप ऐसे ही कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो इस तरह से आज का वीडियो है, रिक्वेस्टेड वीडियो है बहुत ही, अभी इधर की थ्रेडिंग आपको पूरी समझ में आ जाएगी। थोड़ा फास्ट में इसलिए दिखाया है कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है फिर थ्रेडिंग का, और आज आपको मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है, एक ही जगह कैमरा सेट किया है और कोई साथ में रहता नहीं, और कस्टमर एक के बाद एक आते हैं कभी कभी, तो
उतना वक्त भी नहीं रहता कि आपके साथ बात करूँ या कुछ। तो आज तो मुझे ये वीडियो किसी तरह से अपलोड करना था, तो जैसा है वैसा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो कैसे फास्ट फास्ट में मैं हेयर निकाल रही हूँ। तो इस तरह का आज का वीडियो है, और दूसरे भी कस्टमर साइड में है तो थोड़ा सा मैं फास्ट में ही काम करती हूँ। और सॉरी आपके साथ मैं इस वीडियो में डायरेक्टली बात ना कर सकी, बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि उतना वक्त नहीं रहता। और फिर मैं घर में आती हूँ और फिर कपड़े चेंज हो जाते हैं पार्लर के, तो घर में मैं वन पीस गाउन कुछ भी पहनती हूँ तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता उस पर आओ गाउन पे, तो मैं मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि कैमरे में आओ। तो इसलिए मैंने आपके साथ बात नहीं की है, तो इसलिए सॉरी। और इसका फोरहेड बनाना है। आपके पास पार्लर की चेयर ना हो तो ऐसे नॉर्मल चेयर पर आप थ्रेडिंग कर सकते हो जैसे हमने आज की है। ये ऐसी ही सादी सिंपल घर की चेयर है हमारी बैठने की, उस पर थ्रेडिंग शेयर की है हमने। और थ्रेडिंग करना पार्लर का सबसे कठिन काम है। आपको लगता है कि थ्रेडिंग करना इजी है तो बिल्कुल ही इजी काम नहीं है। अच्छे से थ्रेडिंग आने के लिए बहुत अच्छे से काम करना पड़ता है और एक एक बात देख के निकालना पड़ता है, नहीं तो थ्रेडिंग बिगड़ जाती है और कम जाता हो जाता है। तो इस तरह से मैं अभी थ्रेडिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारी लाइफ बन सकती है। और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए। ऐसे ही मैं आपको हेल्पफुल वीडियो अच्छे अच्छे दिखाऊंगी। और फोरहेड तो कस्टमर का पूरा क्लीन करना पड़ता है किसी किसी काम, और एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं वो उसके। तो इनका बहुत ही अच्छा फोरहेड मुझे क्लीन करना है। और कोई कोई क्लाइंट इतने अच्छे होते हैं कि वीडियो शेयर करने देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस लड़की ने नहीं नहीं बोला और नॉर्मल चेयर पर वीडियो शेयर करने दिया मुझे, तो इसका इनका भी मैंने थैंक यू बोला है, क्योंकि इतने कस्टमर को पूछ रही हूँ। इतने दिन से कोई तैयार नहीं था ऐसी चेयर पर बैठने के लिए, सबको पार्लर की चेयर ही चाहिए थी। तो इसीलिए इतने दिन लग गए वीडियो अपलोड करते करते, शायद मुझे 1 से 2 महीने से कमेंट आ रहे हैं कि मैं नॉर्मल चेयर पर वीडियो शेयर करूँ, पर क्लाइंट नहीं बोल रहे थे तो मैं तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती किसी के साथ, तो इसलिए नहीं किया है। तो अभी मैं आगे से थ्रेडिंग देख रही हूँ और अभी मैं आपको पूरा फाइनल लुक दिखा रही हूँ इनका थ्रेडिंग का। देखो कितनी अच्छी थ्रेडिंग आई है पॉइंट की, और ब्रॉड एकदम अच्छा आकार आया है थ्रेडिंग का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।